पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी कार्रवाई कर रही है। हम आपको बता चुके हैं सिविल लाइन्स स्थित उनके सरकारी आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। पेपर लीक मामले को लेकर यह कार्रवाई बताई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम लगातार दिखा रहे हैं, खबर पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी राजस्थान की टीम इस वक्त मौजूद है। मेरे सहयोगी दामोदर इस वक्त पीसीसी चीफ के सरकारी आवास के बाहर हैं और मेरे दूसरे सहयोगी अशोक जो हैं वो भी इस वक्त सीकर में मौजूद हैं जहां पर पीसीसी चीफ मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर कार्रवाई और इस कार्रवाई के साथ ही डोटासरा का बयान सामने आ गया है। गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं कि हम ईडी की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। वो पहले भी कहते थे कि कुछ गलत किया हो तो डरें, अब भी वो यही कह रहे हैं कि हम ईडी की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। डोटासरा बोले हैं कि पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच से मैं कह चुका हूं अगर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। डोटासरा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव में समय खराब करने की कोशिश हो रही है क्योंकि पहले ही लिस्ट जारी करने में देरी हो रही है, लिस्ट जारी करने में देरी हो रही है, प्रचार के लिए वैसे ही समय नहीं मिल रहा है और कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है। मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि मोहन, एक बहुत ही गूढ़ सा सवाल है, क्या ये राजस्थान का अगला व्यापम घोटाला साबित होगा क्योंकि जिस तरह से ईडी इसमें कार्रवाई कर रही है और एक एक नेता एक एक व्यक्ति को घेर रही है, क्या है ये? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, किसी के इशारे पे कर रही है, किसी को परेशान करने के लिए कर रही है, ये भविष्य में पता लगेगा। हालांकि ये सवाल उठते हैं कि अगर किसी भी जांच एजेंसी के कामकाज पर आप सवाल उठाएंगे तो क्या उसकी जांच करने के लिए भी एक और एजेंसी बनानी पड़ेगी? तो ये चैन कहीं खत्म नहीं होगी। लेकिन फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि ये कार्रवाई परेशान करने के लिए हो रही है, उनको परेशान करने के लिए हो रही है, कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए हो रही है। डोटासरा ने कहा कि वो सार्वजनिक मंच पर पहले भी कह चुके हैं कई बार कि अगर उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं पर है तो वो राजनीति से हट जाएंगे, वो पूरे मामले में जांच में सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। अगर किसी एजेंसी को लगता है कि जांच की जरूरत है और उनसे कोई पूछताछ की जरूरत है तो वो उस चीज के लिए भी तैयार है। लेकिन उन्होंने टाइमिंग पर और ईडी की मंशा पर सवाल उठाया, कहा कि बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस को परेशान करने के लिए, कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोटासरा आखिरी कड़ी है जहां तक पहुंच करके ईडी रुक जाएगी? क्या इससे आगे भी ईडी या कोई एजेंसी जाएगी? और अगर आगे जाएगी तो वो कितनी आगे तक जाएगी, क्या उसकी लिमिट होगी? जी शशि मोहन, मैं आपसे एक और चीज समझना चाह रहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जब कार्रवाई करती है तो न तो वो आपके और मेरे प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि पत्रकारों के प्रति या मीडिया के प्रति तो जवाबदेह होती नहीं है कि वो हमें जवाब दे कि आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, न वो किसी राजनीतिक दल और न ही किसी राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, और मुझे लगता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं है कि हम कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। उनके पास सबूत हो और फिर कार्रवाई करें, सबूत न हो और फिर भी कार्रवाई करें, उनकी कार्रवाई को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक लूप होल है, ये एक सिस्टम का व्यवस्था का लूप होल है? हार्दिक, देखिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी उनकी कार्रवाई को सवाल नहीं कर सकता, ये बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। दरअसल न्यायपालिका और संवैधानिक प्रक्रिया बनी हुई है, हर एजेंसी के लिए उसके कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, उसके एथिक्स बने हुए हैं, वो उन दायरे से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एजेंसियों को केवल दांत और नाखून विहीन, दंत नंख विहीन शेर नहीं बनाया जा सकता, उनको कुछ पावर्स देनी होती है जिससे वो जांच कर सकें, वरना तो अगर हर कार्रवाई पर सवाल उठेंगे तो कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। ये बात सही है कि न्यायपालिका से रेमेडी मिल सकती है, संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रक्रिया का पालन करना होगा। कई बार ऐसी एजेंसियों की कार्रवाई में कई चीजें उजागर हो जाती हैं। शशि मोहन, आप जिस प्रक्रिया का जिक्र कर रहे हैं ना, वो बड़ी ही कानूनी और पेचीदा प्रक्रिया है और ऐसे कई नेताओं के बारे में हम जानते हैं जो इस प्रक्रिया में इस वक्त उलझे हुए हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री उनमें से एक हैं, सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली में मंत्री रह चुके हैं वो उनमें से एक हैं, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे वो उनमें से एक हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो प्रक्रिया है ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है जिसमें जाने के बाद आसानी से आप तैर कर बाहर निकल जाएं, ये प्रक्रिया भी बहुत टेढ़ी है जब आप किसी जांच एजेंसी पर सवाल उठाने के लिए न्यायपालिका का सहारा लेते हैं। फिलहाल आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, जयपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की